कौन सा क्वेश्चन कराना बेटा? 142 वाला कौन है? ये बालिका है 142 वाली, आओ उधर 142 देखो उधर, क्वेश्चन नंबर 142। दिखाई नहीं दे रहा? आप दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 142 आपको बेटा थोड़ा सा, इसके बाद कौन सा बैच रहता है 9th क्लास का, उसके बाद ये लगा 10th को बुला लिया है, आप लोग 11 बजे से आ जाओगे। देखो ये 1 2 3 4 5 तुम्हारा भी नहीं है थोड़ा क्लियर बेसिक, 6 ये 6 बच्चे आ जाओगे 11 बजे आज, तुम भी आना, आ जाओगे 11 बजे आज? तुम मत पूछो क्यों, तुमको आता है? इन 6 बच्चों को आता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं आए। देखो इसका थोड़ा कमजोर है, ये बच्चा पहले से कमजोर है, वो छुट्टियों पे था। ठीक है तो आप 6 लोग 11 बजे आ जाओगे? ठीक है बालक बेटा, टाइम से आओ, आधा निकल जा क्या फायदा है, पिक्चर के बीच में जाओ, आधी कहानी तो वैसे भी नहीं आती है कि नहीं? ये जो लड़ाई हो रही है हीरो विलेन के बीच में, काय के पीछे हो रही है? आओ उधर, पर होती होती एक ही चीज के पीछे है, एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स दे रखा बेटा। आओ उधर लाली, 42 बता दूंगा, काई टेंशन ले रही है? हाँ 43। अब देखो इधर बेटा, फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी हो तो हमने क्या बताया था, क्या करेंगे दोनों तरफ? आओ बेटा दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर बेटा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, अब आ जाओ उधर बेटा, लॉग की 3 प्रॉपर्टी लिखाई थी, रुक जाओ बेटा तुमसे ही पूछूंगा बेटा, बताना इसका आगे का, एन लॉग एम, वेरी गुड बेटा, बहुत शाबाश। इसके बाद आदिति बताएगी लॉग एम इन टू एन बेटा क्या कर सकता हूं मैं से, यस वेरी गुड बेटा, लॉग एम अपॉन एन हो तो, वेरी गुड लॉग एम माइनस लॉग, वेरी गुड क्लियर बेटा। ये 3 प्रॉपर्टी पूरे पूरे डिफरेंशिएशन में यूज होंगी, याद कर लो, क्या मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाएंगे, डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगे, पावर है तो आगे आ जाएगी, बस खत्म। मल्टीप्लाई में तो जुड़ के आ जाएंगे, डिवाइड में तो माइनस होके, और पावर है तो आगे आ जाएगी, पावर दे रखी आगे आ गई, मल्टीप्लाई में ऐड हो गए, डिवाइड में माइनस हो गए, क्या फर्क पड़ता है भाई, है क्या नहीं? आओ उधर बेटा, पावर में दे रखा है आगे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ये लॉग एक्स, ये लॉग वाई, क्लियर बेटा यहां तक? वेरी गुड बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलन, आओ बेटा इधर, अवकलन करने पर बेटा लॉग वाई का क्या होता है, वन अपॉन वाई, वाई का डी वाई ओवर बेटा, ये पहला है और जो दूसरा है, पहले को सेकंड का प्लस सेकंड को पहले का, वेरी गुड बच्चे तो होशियार हो गए भाई, आ रहा है भाई? हाँ भाई, वन अपॉन डी वाई ओवर कॉस इनवर्स बेटा लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का, वेरी गुड। अरे उधर क्लास चल रही है भाई, आया उधर लॉग एक्स माइनस का वन अपॉन अंडर रूट, बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर? आओ उधर, हाँ भाई, अरे पढ़ाने का यही तरीका होता भाई सब, पहले पता है आपको बोल बोल के पहाड़े याद कराए जाते थे, मैं बता रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था मुझे ये नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ,
मास्टर ने 16 तक पारे याद करा दिए मेरे को ऐसा गाने की तरह। मुझे ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बस रट गए मेरे को। और मैं अपने घर से चीखता था और घर से कम 200-300 मीटर आगे मेरा घर था, सॉरी मेरे स्कूल से 200-300 मीटर आगे मेरा घर था गांव में। आई थिंक मैं 3 साल का होऊंगा, 3 या 4 साल का होता ना प्राइमरी स्कूल प्राइमरी, भाई गांव में तो यही होते थे पहले, आज से कम 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो 20 साल पहले प्राइमरी स्कूल होते थे। अब मास्टर क्या होता है, जो होशियार बच्चा होता है उसी को आगे बोलता है, वो पहाड़े लिख देता था टेबल इस पर, ऐसा बोर्ड नहीं होता था, दीवार पे ये पुट्टी करवा दी बाबा, व्हाइट ब्लैक कलर का करवा दिया, उस पर लिख देता था, जी देता ले बंदर बोल, मतलब 2 एकम 2 2 दूनी 4, ऐसे 16 तक पहाड़े मेरे को रट गए। इतनी तेज चीखते थे हम लोग, घर तक आवाज आती थी, और मास्टर को मेरे को ही खड़ा करना था क्यों मुझे ही रटे थे। और मुझे ये होश नहीं था मैं बोल क्या रहा हूँ, बस मुझे ये कि यही बोलना है यही बोलना है, मुझे नहीं लिखा, मुझे पता भाई 3 साल 4 साल के बच्चे को क्या पता क्या लिखा है, बस उसको ये मेरे को ये पता था बस ये बोलना है। एक के बाद एक के डंडा रखते जाना है, मतलब एक एक नीचे डंडा रखते जाना है और जेब मुँह से निकलते जाना है। अब मुझे नहीं पता वो 64 लिखा है, 16 चौक 64, मुझे नहीं पता वो 64 पे डंडा लिखा है। आओ उधर। हाँ पारे तो अब भी याद है भाई सब। बेटा कॉस इनवर्स एक्स लॉग एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। बेटा लॉग एक्स को फिक्स रखा है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस का 1/√1 - कोई दिक्कत यहाँ तक? आओ उधर बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, इस वाई को मैं ले जाऊंगा बेटा, वाई तो मल्टीप्लाई में जाएगा भाई, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ उधर बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा? अच्छा ऐसा कोई बालक है, ए अबे एक्स से एक्स काटने वाला कोई बालक है यहाँ पे? नहीं ये कटेगा भाई, ये एंगल है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एंगल है, ये कोण है कॉस का, तो कोण कभी किसी से कटता नहीं, तो मैं इसको क्या लिखूं बेटा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। बेटा मैं इसको बाहर ले रहा हूँ और ये क्या आएगा, लॉग एक्स अपॉन रूट वन माइनस। बेटा वाई की वैल्यू क्या मेरे पास, एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलो भाई नोट कर लोगे, आ जाओ उधर। नेक्स्ट बेटा, और कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 140 आ गया, कॉपी देख रहे हो क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 144 बेटा, ई की पावर एक्स की पावर एक्स। बेटा ये रखा क्वेश्चन, ई की पावर एक्स की पावर एक्स, देखो उधर बात है नहीं, ए इधर बेटा, इसको वाई के बराबर मान लू, तो वाई कल टू बेटा क्या हो गया, ई की पावर एक्स की पावर, कोई दिक्कत? बेटा जब मैंने बोला जब पावर के ऊपर पावर दे रखी तो हम क्या लेंगे, लॉग। बेटा ले लो लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, ओ यस, मैं इसको बार बार रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, ठीक है भाई, हेड आ गई सोनी की, दोनों तरफ लॉग लेने पर। आओ इधर बेटा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स की पावर, कोई दिक्कत? बेटा पावर तो आगे आ जाएगी, लॉग एम की पावर एन से, लॉग एम की पावर एन से पावर आगे आ जाएगी, एन लॉग एम हो जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? आओ बेटा, पावर बेटा क्या है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू बेटा एक्स लॉग बेटा ये ई की पावर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है भाई, अब हो जाएगा तो क्या करें, कराना तो पड़ेगा पूरा, आधे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे ना पूरा, ठीक है भाई, कितने बच्चे कर लेंगे यहाँ से पूरा? आओ बेटा, अरे अर्देव तुम कहाँ खोए रहते हो यार, अरे तो मैं बता रहा हूँ बस, तुम खोए मत रहो, यहाँ पे रहो, ठीक है भाई, चलो इधर आओ बेटा, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष, आओ उधर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा लॉग वाई का क्या होगा, वन अपॉन वाई का
आओ उधर बेटा, ये पहला है, ये पहले को दूसरे का प्लस दूसरे को पहले का, कोई दिक्कत? आओ उधर, वन अपॉन डी वाई ओवर, हाँ भाई एक्स लॉग का बेटा क्या होगा, वन अपॉन, और फिर इसका करेंगे ई की पावर एक्स का। आओ उधर बेटा, लॉग ई की पावर एक्स का। आओ उधर बेटा, वन अपॉन डी वाई ओवर इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का बेटा क्या होता है बेटा, लॉग एक्स ई की पावर एक्स इन टू वन करेंगे तो बेटा वही आ जाएगा बेटा, ये ई की पावर एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स बेटा एक्स प्लस लॉग ई की पावर एक्स। इस वाई को बेटा ले जाओ तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस लॉग ई की पावर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? अच्छा बेटा, वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या थी, ई की पावर एक्स की पावर एक्स, क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस लॉग, हाँ भाई ई की पावर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, ये लॉग ई की पावर एक्स जो है ना, एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ई वन हो जाएगा, तो इसको हम एक्स प्लस एक्स करके ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर। बात समझ आ रही है? मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझो, ये लॉग ई की पावर एक्स है ना, पावर आगे आ जाती है तो ये एक्स आगे हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा बेटा, बेस में ई चली रही है तो ये लॉग ई बेस में ई कितना होता है, वन, तो एक्स इंटू वन ये बेटा क्या हो जाएगा, एक्स। ऐसे भी हम इसको कर सकते थे बट हमने ऐसे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? और बताओ बेटा, 150 152। आ जाओ उधर, करू सौरभ आओ उधर। क्वेश्चन नंबर बेटा 152 बेटा क्या दे रखा मैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है भाई? कोई कल एब्सेंट था, यदि कल कोई एब्सेंट था तो मेरे से बोल सकता है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा कल की, जो क्लास है रिकॉर्ड है वो आराम से देख लेना, नोट कर लेना अपने क्वेश्चंस को, ठीक है भाई? सब आए थे वैसे कल, वो रोहित नहीं आया था है ना, क्या है बेटा, इक्वल टू वाई है। आओ बेटा इधर, बेटा इधर आ जाओ, मैंने कल आपको क्या समझाया था, जब दो फलन एडिशन की फॉर्म में दे रखे हों तो पहले इसको क्या मानो, यू और वी, क्लियर? आप सब आर के पब्लिक स्कूल से तो नहीं हो? अच्छा तभी तुम दोस्त दोस्त से लग रहे हो। आओ इधर, हाँ भाई ऐसा करो बेटा, मान लो, माना यू इक्वल टू बेटा, हाँ भाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तथा वी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस वन अपॉन, कोई दिक्कत बेटा? तो हमने इसको क्या मान लिया, यू मान लिया, इसको मान लिया v, और ये हमारे पास y था ही, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें, आओ बेटा इधर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आओ बेटा इधर, अवकलन करने पर तो बेटा x के सापेक्ष करूंगा तो बेटा du ओवर और ये dv ओवर इक्वल टू dy ओवर, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये समीकरण एक दे दो, इसको समीकरण दो दे दो, और इसको समीकरण, अब आ जाओ इधर बेटा, चल du ओवर dx की वैल्यू मेरे को कब मिलेगी, जब मैं इस u का अवकलन करूंगा, ये dv ओवर dx की वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं इस v का अवकलन करूंगा, हाँ है ना, हाँ है ना, मतलब du ओवर dx की वैल्यू यहाँ से निकालो, dv ओवर dx वैल्यू यहाँ से निकालो, और दोनों को निकाल के यहाँ पे चिपका दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है भाई? ठीक है, आओ उधर बेटा,
यू इक्वल टू बेटा मैं क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स। बेटा लॉग लेने पर क्या भाई, जब भी पावर के ऊपर पावर दे रखी हो, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा हो पावर के रूप में, तो लॉग लेंगे ही लोंगे भाई, लॉग लेंगे नहीं लेंगे। अभी तक यही करते आ रहे हैं, कल से यही कर रहे हैं, लट गया होगा अब तो। आओ उधर बेटा, ये क्या हो जाएगा लॉग यू, बेटा क्या लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर, बेटा पावर कहाँ आती है आगे, तो ये क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सीटों की व्यवस्था करो यार, सीटें कम पड़ रही हैं हमारे यहाँ। आओ उधर, हाँ भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आओ बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा लॉग यू का क्या होगा, वन अपॉन यू का डी यू ओवर, बेटा ये पहला है और ये पहले को दूसरे का, दूसरे को पहले का, ठीक है भाई, पहले को फिक्स रखा दूसरे का अवकलन, दूसरे को फिक्स रखा पहले का, बीच में लगा दिया प्लस, कोई दिक्कत यही है बेटा, वन सामग्री दो थोड़ा थोड़ा डालो और ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। आओ उधर बेटा, वन अपॉन यू डी यू ओवर, आप बेटा एक्स तो फिक्स है, इसका तो अवकलन करेंगे नहीं, लॉग का क्या होता है, तो ये जो भी दे रखा वो वन अपॉन में चला जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन, और फिर इसका करेंगे डी यू ओवर डी एक्स, बेटा एक्स प्लस वन अपॉन आया ना, प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का बेटा क्या आएगा, कोई दिक्कत कोई डाउट, समझ में तो सबको आ रहा है, हाँ जब तक मैं समझाऊंगा तब कुछ सबको समझ में आएगा, घर पे बात हो है? अरे वाह असर होने लगा है। आ उधर, वन अपॉन डी यू ओवर, वेरी गुड बालक, बेटा इधर आओ बेटा, यहाँ पे एक्स एलसीएम आएगा ना बेटा, एक्स यहाँ पे नीचे एक होगा, तो यहाँ पे एक्स का गुणा करूंगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेटा एक्स से एक्स एक बार, तो यहाँ पे एक का गुणा होगा, एक आएगा भाई, एक्स से एक्स एक बार कटेगा तो एक का गुणा होगा ना, और एक इंटू एक ही आएगा। आओ उधर बड़े, हमारे पास ये पूरा हो गया जो ये चल रहा था ये वाला, ठीक है भाई। अब सुनो, इस एक्स का अवकलन करूंगा तो एक्स का अवकलन आएगा एक, क्लियर, और वन अपॉन एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आया ना। आओ उधर, तुमको याद नहीं रहा, मैंने आपको बताया था अगर पावर ऊपर दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे एक्स की पावर चार है, तो बेटा पावर को आगे लिखो, एक पावर कम लिख दो, हाँ है ना। अगर यहाँ पे पावर सौ है, यहाँ पे पावर सौ है, तो इस सौ को आगे लिखो, एक पावर कम कर दो, लेकिन ये तो बेटा ऊपर दे रखे हैं, अंश में दे रखे हैं, हर में दे रखे हैं, तो क्या होगा। आओ बेटा इधर, बेटा मैंने बोला था अगर एक्स की पावर इधर नीचे सौ दे रखी है, तो इसको माइनस के साथ लिखो, क्या यस, सौ पॉन एक सौ एक, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक सौ एक, मतलब ऊपर दे रखा है तो पावर एक घट जाएगी, नीचे दे रखा पावर एक बढ़ जाएगी, हाँ है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो इधर, नीचे लिखा है पावर को माइनस के साथ लिखो और एक पावर बढ़ा के लिखो, लाइक ऐसे। अब सब बच्चे बोलेंगे मैंने लिखा है एक्स की पावर यहाँ पर उनचास, हाँ भाई एक्स की पावर, ठीक है भाई, एक और बार बोलेंगे सब लोग, एक्स की पावर चालीस, ठीक है भाई, पावर माइनस के साथ लिखो एक पावर बढ़ा के लिखो, अगर ऊपर लिखा है तो पावर आगे लिखो एक पावर घटा के लिखो, बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई, एक मिनट रुकना। आओ उधर देखो बेटा, इधर पावर ऊपर है, मतलब अंश में दे रखा है, पावर आगे लिखो एक पावर घटा के, पावर आगे लिखो एक पावर घटा के, लेकिन जब नीचे दे रखा है तो पावर माइनस के साथ लिखो एक पावर बढ़ा के, नीचे लिखा है पावर माइनस के साथ एक पावर बढ़ा के, नीचे लिखा है पावर माइनस के साथ पावर एक बढ़ा के, ये चीजें याद हो गई, अरे थोड़ा समझ में आ रहा है,
क्या क्या होता है? आया ना? हाँ भाई, एक जीवालक बेटा। आपका नाम? अरे बताओ यार, तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, रामकृष्ण बेटा। आपका? कृष्णा। कक्षा 11 में आपने कोचिंग नहीं पढ़ी है? यस। कक्षा 9 में आपने कोचिंग नहीं पढ़ी है? यस। कक्षा हाई स्कूल में सिर्फ आपने सिर्फ पास होने के लिए कोचिंग पढ़ी है? आया उधर, कोई बात नहीं। अरे भविष्यवाणी नहीं कर रहा भाई मैं। आया उधर, ये चीज समझ में आ गई? नहीं आ गई? ये चीज समझ में आ गई? आओ उधर। कच्चा 12 में आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो। आप पास हो जाओगे। आया उधर। चलो तो बेटा एक्स का क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? यहां पे बेटा पावर एक है। बेटा पावर माइनस के साथ लिखोगे, एक पावर बढ़ा के लिखेंगे। अच्छा, आ जाओ बेटा। बेटा 1 में गुणा करूंगा बेटा, ये का ऐसे ही रहेगा, क्यों? एक में गुणा करने से कोई फर्क है? अगर मैं अपने आप में एक का गुणा करूं तो मैं अपने आप एक ही रहूंगा, 2 का गुणा करूंगा मेरे जैसे 2 हो जाएंगे, है कि नहीं? तो एक का तो अपने आप सब चीज तो एक है ही है। 2 गुणा करेंगे बेटा तभी 2 गुने बनेंगे, 3 गुणा करेंगे 3 गुने हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इसमें मैंने एक का गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ या ना? ठीक है भाई, आ जाओ इधर। तो 1 अपॉन u du ओवर dx, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बेटा ये वाला x ऊपर बन जाएगा भाई, डिवाइड के डिवाइड में तो पावर मल्टीप्लाई में बन जाएगी जो भी चीज है। तो ये x ऊपर बन जाएगा बेटा, यहाँ पे एक x पहले से है, एक x और आ जाएगा, क्या बचेगा? x² अपॉन x² + 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ जाओ बेटा इधर। बेटा ये क्या है? 1 बेटा माइनस का और ये x² को दिक्कत यहाँ तक? बेटा ये क्या होगा? लॉग बेटा x + 1 अपॉन, कोई दिक्कत? बेटा 1 अपॉन du ओवर इक्वल टू बेटा x² + 1 अपॉन x² बेटा एलसीएम लूंगा बेटा x² - 1 अपॉन, कोई दिक्कत? बेटा ये वाले x² काट देंगे हम, लेकिन अभी भी अगली बार काटेंगे, ठीक है भाई? बेटा x + 1 अपॉन x, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो, ये वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर काट सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 1 अपॉन u du ओवर इक्वल टू, ये कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा? x² - 1 x² + 1। हाँ या ना? प्लस लॉग x + 1 अपॉन, कोई दिक्कत? हाँ भाई, u को तो ले आऊँ, तो du ओवर u बेटा क्या आएगा? x² - 1 अपॉन। वेरी गुड। हाँ भाई, प्लस लॉग x + 1 अपॉन, कोई दिक्कत यहाँ तक? बेटा u की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, u की वैल्यू क्या थी? ये थी। अरे भाई साहब, शिवम ना रुक रहा आज। हाँ, जब पैसा खर्च कर रहा हूँ कैसे रुक जाऊंगा, फीस दे रहा हूँ टाइम पे। प्लस लॉग बेटा x + 1 अपॉन, आया ना? क्या बेटा? हाँ लिख लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x² + 1 अपॉन x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है? ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? du ओवर वो समीकरण 3 था, ये समीकरण बेटा du ओवर dx की इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। हाँ, इसकी वैल्यू अभी नहीं आई है, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। आओ बेटा, कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू बेटा क्या दे रखा है? x + x की पावर x + 1 अपॉन x, यही दे रखा है ना? आया ना? पावर के ऊपर पावर है, लॉग लेंगे। आया ना? बेटा लॉग लेने पर तो बेटा क्या आएगा? लॉग v लॉग x की पावर x प्लस वन अपॉन बेटा लॉग v बेटा x प्लस वन अपॉन पावर आ गया गई, और ये लॉग x। आया ना? क्वेश्चन कितना ही बड़ा टफ तो नहीं लग रहा? आगे आगे बोल लो मेरे से, मतलब हर एक चीज आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब हम नहीं कर रहे, हमसे पहले करोड़ों लोग कर चुके हैं। हर साल 55 लाख बच्चा पेपर देता है, तो हर साल 55 लाख कर रहा है, तो हम कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहा है कि नहीं? वही तुच्छ सा काम, एक्स लॉग लॉग लॉग। आओ उधर, आ जाओ उधर। हाँ भाई, एक्स के सापेक्ष। आओ उधर, जिसको लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा नहीं है भाई, आएगा तो 5 या 8 नंबर में आएगा, और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर दिए ऐसे, 3 24 नंबर के और 5 नंबर 1
और फिर एक आध तो एमसीक्यू सही हो जाता है, सही पास हो गए भाई साहब, है क्या? नहीं, दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर दो 24 नंबर, तो यही हो गए। आया उधर तो बड़ा हाथ मारो, कोई छोटा मोटा मत मारा करो कभी भी, बस में आ रही है, आओ उधर अक्षय कुमार से सीखा करो ये सब चीजें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आओ बेटा, लॉग वी का बेटा क्या होता है, 1/v वी का डीवी ओवर बेटा, ये पहला है और ये पहले को दूसरे का प्लस दूसरे को पहले का। अरे भैया आज ये क्लास आसमान में पहुंचे ही लग रहा है। आओ उधर बेटा, 1/ वी का डीवी ओवर बेटा एक्स प्लस 1/x, तो ऐसे ही रहेगा भाई साहब, है कि नहीं? अब बेटा log x क्या होगा, कोई दिक्कत? प्लस, हाँ भाई ये क्या आएगा अब बताएंगे बच्चे मेरे को, x का तो 1 होता है, ठीक है भाई, मैंने बोला था ये पावर 1 है, पावर 1 है यहाँ पे, चल लीक कर दिया मामला यार, मैं 2-4 बच्चों से पूछता यार, मजा करके रख दिया, पिक्चर पहले ही बता दी है। हाँ तुम मत बताओ, तुम पूछ लो ना, तुम हीरो बनना चाहती हो? चे राम किशन बताएगा भाई। हाँ भाई इसका अवकलन क्या होगा, पावर माइनस के साथ लिखो और एक पावर जे, इसका अवकलन है भाई साहब, है क्या? नहीं ठीक है भाई, आओ उधर, अगर मैंने गधे भी होशियार नहीं कर दिए तो मेरा नाम भूपेंद्र नहीं, मेरा पढ़ाना फिर बेकार है। आओ उधर गधे, वैसे यहाँ पे कोई अपने आपको मानता तो नहीं है? देख लेना भाई, भगवान ने अच्छा खासा इंसान का रूप दिया है आपको। आया बेटा, देखो इधर बेटा, 1/ डीवी ओवर बेटा एलसीएम लूंगा, यहाँ पे एक्स एलसीएम आएगा, एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इनटू 1/ प्लस लॉग बेटा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का साइन आया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? आओ उधर, 1/v डीवी ओवर बेटा ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 1 में करूंगा बेटा, यही रहेगा, और x का x में गुणा करूंगा बेटा, क्या आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस इसको मैं आगे लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं है भाई, गुणा में 4 × 3 = 12 होता है, 3 × 4 = 12 होता है, 3 को आगे लिखो, 4 को बाद में लिखो 12 आएगा, 4 को पहले लिखो, 3 को बाद में लिखो 12 आएगा, तो मल्टीप्लाई में चीजें अगर आगे पीछे लिख दो तो कोई फर्क, ऐसे ही प्लस में, प्लस में भी अगर 3 + 4 करोगे तो 7 आएगा, 4 + 3 करोगे तो भी 7 आएगा, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है भाई, माइनस फर्क पड़ता है, डिवाइड में ही फर्क पड़ता है। आओ उधर, हाँ भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/ इंटू लॉग, बताओ मेरे आगे लिखने का कारण क्या है, क्योंकि बेटा कभी कभी हम जोश में आ जाते हैं और जोश में आके होश खो देते हैं और इस वाले एक्स से इस वाले एक्स को काट सकते हैं, और जबकि ये लॉग एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये लॉग एक्स अलग है, ये अलग है, ये कटेगा नहीं आपस में, बात समझ आ रही है, ये लॉग एक्स अपना एक फंक्शन होता है, ये कटेगा नहीं किसी से, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया है, और ये वाला एक्स अब आप काटने में थोड़ा डरोगे, और जब यहाँ पे लिखा था तो आप कचक काट सकते थे, बात समझ आ रही है, ये छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं किसी से भी, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं बेटा, इस वी को तो ले आऊं तो डीवी ओवर डीएक्स इक्वल टू बेटा वी इधर आएगा गुणा में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/ और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/ लॉग, ठीक है भाई, बेटा वी की वैल्यू रख दूं, बेटा वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स की पावर एक्स प्लस 1/ एक्स स्क्वायर प्लस 1/ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/ और ये लॉग,
ये बेटा समीकरण कौन सा था? ये चौथा था, ये पांचवा हो गया। आओ तो ये समीकरण बेटा, ये डीवी ओवर डीएक्स की वैल्यू है, और ये डीवी ओवर डीएक्स की वैल्यू है, डीवी ओवर डीएक्स की जगह डी ओवर डीएक्स की है, दोनों को यहाँ पे रख दो और ये आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इस आप वैल्यू को यूं करके बिल्कुल सेम टू सेम यूं करके चिपका देना है, और वहां से यूं लेना है, इसको यूं करके वहां पे चिपकाना है भाई साहब, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो, क्वेश्चन बड़े हैं पर टफ नहीं लगने दूंगा, ठीक है? मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान है, मैथ्स आसान है। हाँ भाई, और कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों को जो नहीं आया? बताओ भाई, बताओ, बताओ भाई, बताओ। हाँ, 149 बेटा, 2 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा उसका। और बताओ, सब मुझसे पूछ लो, तुम क्या करोगे भाई साहब? आ जाओ उधर, देखो उधर 150। आओ बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है। अरे कोई बात नहीं भाई, बच्चा पूछेगा बताना पड़ेगा। वो यहाँ पे क्यों आया है बताओ, तुम्हारे आने का कारण क्या है बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने सीखने, यहाँ पे भी नहीं सीखे तो कहाँ सीखोगे? स्कूल वाले सिखाते नहीं हैं, स्कूल वाले सिखाते तो यहाँ पे क्यों आते है कि नहीं? आओ उधर, ए यार जामे का बढ़ाई है यार, आओ उधर, इचक रही है इसको, आज वहां से लाओ थोड़ा सा, वहां से सही करो इसको, खड़े हो गए। अरे उधर से, नहीं 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 इधर से पकड़ो, हाँ इधर से करेक्ट करो सही से, अब ठीक है, नहीं हो रही, उधर भी बच्चे बैठे हैं, उधर से बच्चे यूं हिलाते रहते हैं उसको। हाँ उधर आओ, उधर बेटा देखो, उधर पावर पावर दे रखी है, अभी भी लॉग लेंगे दोनों तरफ। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ऐसा आएगा तो 5 नंबर में आएगा, और गारंटी दे रहा हूँ, इस वाली सीट से आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, इस वाली सीट से बाहर नहीं गया, आप पिछले साल भी उठा के देख लो, ये और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है वही करवाऊंगा मैं, ठीक है? बाकी इधर आ जाओ बेटा, लॉग लेने पर बेटा 40-45 नंबर के क्वेश्चन तो डिट्टो फंस जाते हैं। अभी भी मैंने पेपर से पहले 10 दिन पहले मैंने क्लास चलाई थी, 5 क्लास चलाई थी मैंने, उसमें 65 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे पहली बुक से, और लगभग 63-73 क्वेश्चन थे उसमें सेकंड वाली बुक में से। 40-45 नंबर का डिट्टो वही, ना तो डेट चेंज, ना सेंटेंस चेंज, ना कुछ चेंज, 8-8 नंबर के तीनों फंसे हैं, तीनों के तीनों। और कोई यकीन ना माने तो आया प्रूफ दिखाते हैं, आओ उधर, आया उधर, ये सबूत है इसके भाई का फंसा था, आओ उधर। ये यहाँ पे क्यों बैठा है? मथुरा से आया यहाँ पे क्यों? ये मथुरा से आके यहाँ पे सीधा यहीं पे क्यों आया? कहीं और क्यों नहीं गया? आओ उधर, लॉग लेने पर बेटा लॉग एक्स की पावर, लॉग ई की पावर एक्स माइनस, बेटा लॉग एम की पावर एन होता है, क्या होता है, क्या होता है भाई? वेरी गुड, एन लॉग, आ जाओ उधर बेटा, पावर आ जाएगी वाई लॉग एक्स हो जाएगा, आया ना, एक्स माइनस वाई लॉग, कोई दिक्कत, कोई डाउट? बेटा लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? लॉग ई कितना होता है? 1। तो ये वाई लॉग एक्स, बेटा एक्स माइनस वाई, ये लॉग ई कितना हो गया? 1। तो बेटा वाई लॉग एक्स, और ये एक्स माइनस वाई इंटू 1, भाई 1 का गुणा करेंगे यही रहेगा, आया ना? अब सुनो, इसको समीकरण दे दो, एक एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आओ बेटा इधर, वाई को बेटा फिक्स रखेंगे क्योंकि ये पहला है और ये दूसरा है, पहले को फिक्स रखो दूसरे का, दूसरे को फिक्स रखो पहले का, तो यहां पे कौन फिक्स रहेगा? लॉग एक्स और वाई का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत यहां तक? आओ बेटा इधर, पहले को फिक्स दूसरे का अवकलन, दूसरे को फिक्स पहले का, बेटा एक्स का क्या होता है?
वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। आया उधर बेटा, वाई लॉग का क्या होगा, लॉग का क्या होगा, एनर्जी फूक गई। आओ उधर, लॉग एक्स का वाई का डी वाई ओवर वन माइनस डी वाई ओवर। बेटा कभी भी पूरे डिफरेंशिएशन में, पूरे अवकलन में, आपको बता रहा हूं, जितने भी डी वाई ओवर डी एक्स हुआ करें, जैसे यहां पे एक डी वाई ओवर डी एक्स है और एक डी वाई ओवर डी एक्स है, सबको उल्टे हाथ पे ले जाया करो, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया करो। तो देखो इधर, लॉग एक्स डी वाई ओवर इस वाले डी वाई ओवर डी एक्स को लेके आऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्लस का डी वाई ओवर, क्योंकि इधर क्या था, माइनस का होता जाके बेटा इक्वल टू क्या होता है, वन। इस वाई अपॉन एक्स को मैं ले जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा। आया ना, कोई दिक्कत यहां तक? देखो इधर, इसको मैं लेके आया प्लस का हो गया, इसको मैं लेके आया माइनस का हो गया। हाँ, है ना, ऐसे ही हुआ नहीं होगा? अरे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? आओ उधर, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लें, लॉग एक्स प्लस, भाई डी वाई ओवर डी एक्स बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। अच्छा कॉमन लेने पर कोई ये तो नहीं कह रहा यहाँ पे, भैया तुमने सब रहा डी वाई ओवर डी एक्स बाहर ले लिया, यहाँ पे जीरो बचेगा ना? जीरो नहीं बचता, जब सब कुछ बाहर आ जाता है कॉमन तो एक बचता है, क्या बचता है, सबका साथ ही एक। ठीक है भाई, आयो उधर। हाँ भाई, एक्स माइनस, बिकॉज यहाँ पे वन है तो यहाँ पे एक्स का एलसीएम लूंगा, तो एक्स एलसीएम आएगा, ए वन इन टू एक्स का एलसीएम लूंगा, वन एक्स, एक्स यहाँ पे होगा, वाई यहाँ पे। बेटा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, बेटा एक्स ये इधर से इधर भेजूंगा, बेटा यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे क्या है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, किस में भाई, मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, प्लस का माइनस में माइनस का, ये आपका कोई दिक्कत? ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा आपका, 150 था। अब रुक जाओ एक मिनट, है ना, 200 पे बेटा क्वेश्चन नंबर 200 पे आना, जरा सीट पलटो अपनी अपनी सब लोग। इस वाले क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बोला था, बस उसने बोला था डिफरेंशिएट कर दो, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 200 में ये दे रखा है, इसको सिद्ध करो, इस चीज को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो क्या करना बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, है ना, कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो, ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया 150, और यही क्वेश्चन नंबर यहां से ये लिख दूं तो ये क्वेश्चन नंबर 200 है। कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर? ठीक है भाई, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 200 को सिद्ध करते हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 150 हो चुका है, यहां से बारी लेते हैं, इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे। देखो इधर, यहां से मेरे पास अगर मैं सिद्ध में देखूं तो मेरे पास वाई है नहीं, जबकि यहां पे वाई आ रहा है। आया ना भाई, सिद्ध में देखो तो यहां पे वाई नहीं है और यहां पे वाई आ रहा है, अगर इस वाई को गायब कर दूं तो सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? आओ उधर, वाई को गायब करते हैं। बेटा वाई कैसे गायब होगा, इस वाई को लेके आ रहे हैं, यहां से वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये क्या है, वाई लॉग एक्स है, इस वाई को मैं लेगा बेटा प्लस का वाई हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, एक्स। बेटा यहां से वाई कॉमन ले लूं तो वाई कॉमन लूंगा बेटा, क्या बचेगा, लॉग एक्स प्लस इक्वल टू, बेटा वाई की वैल्यू निकालूं यहां से, क्या आएगा, एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस, कोई दिक्कत यहां तक? यहां पे लिख देना बेटा समीकरण एक से, कहां से आई है ये वैल्यू, आया ना, बात समझ आ रही है, क्लियर? समीकरण एक से जो y का मान आया उसको यहां पे पुट कर दो, तो बेटा dy वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बेटा x माइनस y का मान बेटा क्या है, x अपॉन log x प्लस वन, कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो, नीचे क्या चल रहा है, x इंटू log x प्लस, आया ना, कोई दिक्कत यहां तक? हमने किसकी वैल्यू रख दी बेटा, y की वैल्यू रख दी है यहां पे, आया ना। अब सुनो, डी वाई ओवर डी एक्स बेटा इसके नीचे एक है, एलसीएम लूंगा बेटा, लॉग एक्स प्लस वन आएगा एलसीएम, क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस वन, बेटा लॉग एक्स प्लस वन का यहां पे गुणा करूंगा तो बेटा एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, और बेटा माइनस का एक्स अपॉन नीचे क्या चल रहा है बेटा, एक्स गुणा लॉग एक्स प्लस
वन, हाँ है ना। आप बेटा इधर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बेटा एक्स गुणा एक एक्स बेटा एक्स में मल्टीप्लाई करो बेटा एक्स लॉग एक्स बेटा ये वाला माइनस का एक्स अपॉन ये लॉग एक्स प्लस वन बेटा इसको नीचे लेके आऊंगा ये लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना। ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन का बेटा यहाँ पे क्या है एक्स है बेटा इस वाले एक्स से इस वाले एक्स को डी वाई ओवर क्या बचा यहाँ पे बेटा एक्स लॉग एक्स और यहाँ पे क्या बचा बेटा एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन का बेटा एक्स एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हो गया सिद्ध। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 155 हो गया है 150 और इसी चीज को आगे ले जाओगे ये क्वेश्चन नंबर 200 हो जाएगा, हाँ है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया भाई, एक तीर दो निशाने। अब सुनो क्वेश्चन में बेटा पेपर में ऐसा ही होता है, हम मान लो यहाँ तक करा दिया आपको ये क्वेश्चन और पेपर में यहाँ तक आ गया, आप क्या कहोगे भैया ने तो कराया ही नहीं था, जबकि क्वेश्चन तो सेम है बस थोड़ा सा ही तो डिफरेंट है। मैथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बात समझ आ रही है। तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे किसको सिद्ध कर सकते हैं, बात समझ आ रही है। अच्छा अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है 150, अच्छा 155 में a की पावर जो b दे रखा ना उसका जीरो हो जाएगा बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, है ना, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है इसलिए उसका मान सॉरी उसका अवकलन जीरो हो जाएगा। अच्छा 155 को, अब देखो इधर मैं इंट दे रहा हूँ 155 में आपको कैसे करना है, y की पावर x प्लस x की पावर y x की पावर x इक्वल टू a की पावर बेटा इसको आप मानोगे u इसको v इसको w ये a की पावर b x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बेटा d ओवर प्लस dv ओवर और ये dw ओवर बेटा x के रिस्पेक्ट में करेंगे ये क्या हो जाएगा ये समीकरण एक बेटा इसको आपने क्या माना u को माना है y की पावर x यहां से du ओवर dx निकाल लोगे v को बेटा क्या माना है x की पावर y यहां से बेटा आप dv ओवर dx निकाल लोगे और बेटा इस w को क्या माना है यहां से dw ओवर इन तीनों के मान निकाल के यहां पे आके आंसर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ठीक है भाई एग्जांपल दे रखा है ना। अच्छा जितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना सारे हो चुके हैं, इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन थे नहीं हमारे पूरे किताब में नहीं थे। अब यहाँ से 156 से स्टार्टिंग होगी और 156 से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है, बात समझ आ रही है। अभी हमारे पास 50 क्वेश्चन रह गए हैं, इन 50 क्वेश्चनों को भी हमारे पास करने में कम से कम 5 दिन और लग जाएंगे ठीक है। बाकी आप लोग नोट करो, जो घर पे जाके नोट करना चाहता है घर पे जाके नोट कर लेना ठीक है भाई, जो यहाँ पे बैठ के नोट करना चाहता है यहाँ पे नोट कर लो। अब सुनो आप कितने लोग थे, तीन और चार पांच जिसको छह, तुम भी यार के सही थे। अच्छा जिसको लग रहा है कि वो मैथ्स में वीक है या जिसके अवकलन थोड़ा बहुत भी डाउट रह रहा हो, जो आप लोग शुरुआत से पढ़ रहे हो जिसको ऋषि जैसे तुम लोग बीच में से आए थे तो तुम लोग भी आ सकते हो 11 बजे है ना, जो मन करे सो आ जाओ, मैं बिल्कुल शुरुआत से कराऊंगा इनको ठीक है, इन बच्चों को शुरुआत से कराऊंगा बिल्कुल जीरो से 11 बजे ठीक है। मिलते हैं 11 बजे, जिसको नोट करना वो नोट कर ले भाई।